हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे चैनल का नाम है दिल का रिश्ता, तो अब हमारा दिल का रिश्ता जो है वो बनने लगा है। ये है मेरी दूसरी वीडियो और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी वीडियो में। मैंने एक्चुअली कुछ सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, अचानक से मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो है ये मैंने मिंत्रा से एक कुर्ती खरीदी थी, तो इसका जो है रिव्यू शेयर करूं कि ये किस तरीके की कुर्ती है। और मतलब ये कुर्ती ऐसी है जो अभी इस वक्त जो है मिंत्रा पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, क्योंकि ये बहुत जो है अच्छी कुर्ती है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और इसको एक वॉश किया है, मैंने एक वॉश किया है। इसका कलर बिल्कुल फेड नहीं हुआ है, जैसा है था वैसा ही रहा। और ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसके रिव्यू अगर मैं शेयर करूं तो इस पर जो है ये बटन वर्क हुआ पड़ा है। मैं आपको जो है मतलब नज़दीक से दिखा देती हूं, और इस पर मिरर वर्क भी हुआ पड़ा है, और काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, अनारकली जो है। और आप ब्रांड का नाम जानना चाहते होंगे, ऑफकोर्स मिंत्रा से लिया है, तो इसका ब्रांड का नाम है सांगरिया। सांगरिया जो है इसका ब्रांड नेम है, और कई सांगरिया बोलते हैं सांगरिया। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा कुर्ता, और इसकी डिज़ाइनिंग और नीचे की जो इसकी पट्टी है, जो मैं बताऊं, दैट्स रियली नाइस। इसकी पट्टी भी बहुत अच्छी है, आप इसको प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हैं, आप इसको जो है लेगिंग के साथ वेयर कर सकते हैं, अगर आप इसको खाली भी एज अ लॉन्ग ड्रेस के साथ जैसे वेयर करना चाहते हैं तो वैसे भी वेयर कर सकते हैं। आप इसको शूज़ के साथ वेयर कर सकते हैं, आप इसको पंजाबी जुत्ती, मैंने इस वक्त पंजाबी जुत्ती पहनी है, तो आप इसको पंजाबी जुत्ती के साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें इसको वेयर कर सकते हैं। और इसका जो मतलब मुझे इसका स्टफ फैब्रिक जो है वो इतना अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी प्रिंटिंग जो भी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको बिल्कुल नज़दीक से। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी पहली वीडियो को जो है देखा। और अब चलिए मैं इसके बारे में आपको, मतलब मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने रिव्यूज शेयर करूं, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले ले लिया था, लेकिन इस कुर्ती को मैंने जो है दो तीन बार पहना है, और मैंने इसको हाँ दो वॉश हो चुके होंगे अब तक, लेकिन इसका कलर नहीं गया। दो एक नहीं दो वॉश तो आराम से गए होंगे इसके, लेकिन अभी तक इसका कलर नहीं गया। सो अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है जैसे मैंने बताया, तो इसका जो है लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये कुर्ती पसंद आती है और आप मिंत्रा से लेना चाहते हैं, अभी आउट ऑफ स्टॉक है। जब मैंने ली थी तब ये 1500 की थी, अभी जो है अगर मैंने इसको दोबारा से चेक किया तो ये 4000 की जो है शो कर रहा है, बट इट्स अर्ली आउट ऑफ स्टॉक मिंत्रा के स्टोर पे। तो चलिए नज़दीक देख सकते हैं, जैसे इस कुर्ती का कलर जो है वो फेडेड दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये बेज कलर है, बेज कलर ऑब्वियसली जो है वो लाइट रहता है, लेकिन जो मेरे फ़ोन पे दिख रहा है इससे थोड़ा सा डार्क है। तो इसमें मिरर वर्क हुआ पड़ा है एम्ब्रॉयडरी के साथ, और इस पे जो है ये पट्टी जो लगी हुई है, इस पे बटन लगे हुए हैं, और मैद्रिन कॉलर है इसका, और जो इसकी 3/4 जो है वो स्लीव है बहुत अच्छी है, और इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब कपड़ा कॉटन का है, आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। और इसके डाउन पे जो अनारकली है, मतलब कलियां जो है उसके बिल्कुल नीचे जो है ये पट्टी लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें ना दो पॉकेट्स हैं, ये पॉकेट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो मिंत्रा में जाके देखेंगे तो उस पर सिर्फ 1 पॉकेट लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, इसमें दो पॉकेट हैं, दोनों तरफ जो है पॉकेट लगी हुई हैं, और बहुत अच्छा सा मुझे ये कुर्ती लगी। और आप जैसे मैंने बोला है किसी लेगिंग के साथ, प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हैं, एंड विदाउट एनीथिंग लाइक प्लाजो लेगिंग के बगैर भी आप इसको लॉन्ग ड्रेस की तरह वेयर कर सकते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस प्लाजो सॉरी इस कुर्ती को, अनारकली कुर्ती को जो है वेयर किया हुआ है प्लाजो के साथ, ब्लैक प्लाजो के साथ पेयर किया हुआ है। और क्योंकि इसकी ना नीचे ब्लैक पट्टी है, तो ये ब्लैक कलर के, अगर आप बेज कलर के साथ इसको पेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने पट्टी के साथ इसको पेयर किया हुआ है ब्लैक कलर के प्लाजो के साथ, और बहुत अच्छी लग रही है। और अगर आपकी हाइट 5'5" अराउंड है तो बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ये कुर्ती थोड़ी ऊपर हो जाएगी और आपका प्लाजो नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी हाइट मेरी तरह है तब भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हल्का हल्का प्लाजो नज़र आएगा, वो भी इन है, तो बहुत अच्छा लगेगा। सो इट लुक्स रियली नाइस व्हेन यू वॉक। और अगर आप इसको यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि मैंने इसको अब लेगिंग के साथ पेयर किया है। इसका बैक भी सेम है, जैसे फ्रंट पे पट्टी लगी है बैक पे पट्टी लगी हुई है, और इसकी आर्म्स पे भी पट्टी लगी हुई है। बहुत अच्छा लगता है, और इसको लेगिंग के साथ आपने वेयर किया है तो भी बहुत अच्छा लगता है। अनारकली इसको देख के मुझे एक सॉन्ग याद आ जाता है, लेकिन क्योंकि इसकी जो कमर पे पट्टी लगी है उसको देख के मुझे सॉन्ग याद आ जाता है। मैं सॉन्ग जो है वो गा नहीं सकती, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि कौन से सॉन्ग की बात करें। फ्लेयर देखिए कितना ज़्यादा है, इट्स रियली नाइस। यहाँ पे मैंने इसको जो है बिना लेगिंग और प्लाजो के वेयर किया, एज अ ड्रेस वेयर किया हुआ है। आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आप विदाउट एनी लेगिंग प्लाजो के साथ, पंजाबी जूती के साथ इसको वेयर कर सकते हैं, हील्स के साथ वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इनको स्नीकर्स के साथ पहन के। अभी जो है मेरे हाई नेक स्नीकर्स हैं, जो लो है मतलब जो दूसरे स्नीकर है मेरे वाइट, उनके साथ ही और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी वो मेरे पास यहाँ नहीं है, और जब मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ी रात हो चुकी है, तो मैं जाकर ऊपर अपने स्नीकर्स नहीं लेके आ सकी, अदरवाइज़ मैं उसके साथ पहनते थे, उसके साथ तो और अच्छे लगते हैं। सो आई एम जस्ट शोइंग दिस विद माई हाई नेक वाइट स्नीकर्स। तो लीजिए ये स्टाइल उनके लिए जो शूज़ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वक्त मैंने लिटिल हाई नेक जो है शूज़ के साथ पहने हुए हैं स्नीकर्स के साथ, और ये उनके साथ भी वाइट स्नीकर्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ऐसे भी वेयर कर सकते हैं। फ्यूजन, वेरी नाइस। तो ये सबके साथ बहुत अच्छे लगेंगे, ट्राई कीजिए। इसके साथ मैंने जो मेकअप किया है बहुत न्यूड मेकअप किया है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो पे भी शेयर किया था कि न्यूड मेकअप जो है मैं करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर दिन में बाहर जाते हैं तो न्यूड मेकअप ही अच्छा लगता है। ज़्यादा हैवी मेकअप जो मेरा मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है, जो मेरा व्यू है वो है कि लेस इज़ मोर, क्योंकि जब आप कम करते हैं तो कम को आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ऑलरेडी आपने किया हुआ है तो उसको कम करना बहुत मुश्किल है। सो लेस इज़ मोर। हाँ, अगर आपको बढ़ाना है आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं, और इसलिए मैंने इस पर बिल्कुल न्यूड सी लिपस्टिक लगाई हुई है, और आई शेडो जो है अगैन मेरा फिलबर्ट का रहता है हमेशा ज़्यादातर, और फिलबर्ट कलर जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो हर आप अगर फिलबर्ट आई शेडो जो है बेस आई शेडो जो है बेस वाला आई लिड्स पे लगाएं तो वो किसी भी ड्रेस के साथ जाएगा। अगर आपने कोई वीडियो बनाना है, अगर आप मार्केट जा रहे हैं, अगर आपको इंस्टा वीडियो बनानी है, तब भी आप जो है फिलबर्ट करें तो आराम से जो है आपका वीडियो उसमें ड्रेसेस अगर चेंज कर करके बनानी है तो आराम से आपकी जो है वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में बन जाएगी। तो लुक मेरा हेयर्स का ज़्यादातर यही रहता है, ओपन हेयर्स रखती हूँ मैं। और इस वक्त मैंने जो है हल्की हल्की कॉम किया है, मैंने हेड वॉश लिया था, हेड वॉश लेने के बाद जो है मैंने हल्की हल्की कॉम किए हैं। मैं ज़्यादा जो डाउन है वो कॉम करना नहीं पसंद करती, क्योंकि अगर मैं कॉम करूँ तो जो मेरी ये कर्लिंग है वो खुल जाती है, अदरवाइज़ मुझे जो है यूं करके जो है इसको कर्ल बिठाना पड़ता है। अगर आप जल्दी में हैं और आपके पास वक्त नहीं है कर्ल करने का, ब्लो ड्राई करने का, तो आप हल्की हल्की जो है आपके जब गीले हेयर्स होते हैं तो उसको इस तरीके से जो है आप कीजिए, और आपके जो हेयर्स हैं वो थोड़े थोड़े जो है नीचे से कर्ल हो जाएंगे, और ऊपर से जो है आप इसको हल्का हल्का कॉम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जल्दी से जो है आपकी लुक जो है बिल्कुल रेडी हो जाती है। कि जो मेरा लुक है वो न्यूड लुक था अगेन विद दिस बेज कलर कुर्ती, अनारकली कुर्ती फ्रॉम मिंत्रा। तो अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं लेकर आऊँ कुछ ऐसे ही रिव्यूज़, कुछ ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए हर रोज़।
और कभी कभी हफ्ते में सिर्फ 3 बार या 4 बार। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। लव यू ऑल।